आज 5 अक्टूबर 2023 बाबा का वरदान है। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारे कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। तो बाप दादा आज हमें वरदान दे रहे हैं, बच्चे आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। हम सर्व की जो यात्रा होती है संपूर्णता की ओर होती है। सतयुग में हम आत्माएं अपने संपूर्ण अवस्था में होते हैं, 16 कलाओं में संपूर्ण होते हैं। जो चंद्रमा का गायन आता है कि चंद्रमा जब 16 कलाओं में संपूर्ण है तो उसका संपूर्ण स्वरूप आसमान में दिखाई देता है, अर्थात वो संपूर्ण है, कोई भी किनार नहीं है। जैसे जैसे हम आत्माएं सतयुग से होकर फिर त्रेता में आती है, वहां 14 कला हो जाती है, फिर द्वापर में आती है, वहां 8वीं कला रहती है, और फिर धीरे धीरे कलाहीन हम होते जाते हैं, और अभी कला मतलब कलयुग के अंत में अभी हम कलाहीन हो चुके। अब फिर से प्यारे बाप दादा हमें उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कराना चाहते हैं, प्राप्त करा रहे हैं। वही संपूर्ण अवस्था 16 कला संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करा रहे हैं, अर्थात ही हमारी पूरी यात्रा है सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक। भले हम संपूर्ण अवस्था से नीचे आते हैं, द्वापर तक हम पहुंचते हैं, वहां 8 कला ही रहती है, लेकिन फिर द्वापर से पुनः हमारी संपूर्णता की तरफ पूरी पूरा सफर होता है, और हर आत्मा द्वापर से होकर वो संपूर्ण होना चाहती है। जहां भी कुछ कमी है तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए वो जिन आत्माओं को जैसा साधन मिला, जैसा ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार से, उन साधनों के आधार से वो अपने आप को संपूर्ण करना चाहते थे। हम सर्व आत्माओं को पता ही है कि द्वापर से आत्माओं के अंदर गुणों में कमी आ जाती है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इन सर्व गुणों में कमी आने के कारण फिर आत्मा इन गुणों को प्राप्त करने के लिए संसार की ओर जाते हैं, अर्थात भौतिकता की ओर जाते हैं, लौकिकता की ओर जाते हैं। और कुछ आत्माएं मतलब अर्थात वही आत्माएं जो सतयुग से लेकर त्रेता और त्रेता से फिर द्वापर तक पहुंचती हैं, यहां से उन आत्माओं का सफर परमात्मा की ओर होता है। यहां से शुरू होता है कि परमात्मा को याद करना, और उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमें संपूर्णता वही प्रदान कर सकते हैं। सो सर्व आत्माओं का सफर द्वापर से आने वाली आत्माएं भी देखें, या फिर कलयुग के अंत तक भी आने वाली आत्माएं, हर आत्मा संपूर्णता चाहती है, हर आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और संपूर्णता के आधार से ही संतुष्टता होती है। आज हर आत्मा जो कर्म कर रही है वो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, आत्माएं संपूर्ण नहीं होती इसलिए वो जन्म बाय जन्म लेती रहती हैं, और हर जन्म में अपने आप को संपूर्णता को प्राप्त कराने की प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। परंतु जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं प्राप्त होता
जब तक प्यारे बाप दादा इस संसार पर नहीं आते तब तक ये संपूर्णता को कोई भी आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि तब तक हम जो भी कोशिश कर रहे थे वो देह और देह के संबंध के आधार से, भौतिकता के आधार से हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम को प्राप्त करना चाहते थे, शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे। पवित्रता तो जीवन में थी ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था कि मैं आत्मा संपूर्ण पावन हूं। और जहां पवित्रता है वहां ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम है, वहां ही शक्ति है, ये हमको ज्ञान ही नहीं था। फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि बच्चे आप संपूर्ण पावन आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, ये सर्वगुण तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा संस्कार है। और फिर हमने उन बात को स्वीकार किया और फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि बच्चा आप सर्व गुणों का स्वरूप हो, जैसे मैं गुणों का सागर हूं वैसे तुम मास्टर गुणों के सागर हो, ये ज्ञान दिया। और फिर उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए, जीवन को धारणा संपन्न बनाने के लिए हमें शक्ति दी योग के माध्यम से। और यह गुण संसार में बांटने का साधन भी हमें दिया, मनसा सेवा का, वाणी की सेवा का। तो फिर हम आत्माएं इन ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के माध्यम से धीरे धीरे हम संपन्नता की ओर जाते हैं। ये चार सब्जेक्ट जो हमें बाबा ने दिए हैं, ये चारों ही सब्जेक्ट हम आत्माओं को संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए है। जब हम ज्ञान से, योग से, धारणाओं से और सर्व प्रकार के सेवा में संपन्न होते हैं तो इस संपन्नता को ही बाबा संपूर्णता कहते हैं। और संपूर्ण आत्मा सदैव ही संतुष्ट होती है। और जो आत्मा संतुष्ट होती है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं रहती, ना स्वयं से ना अन्य आत्माओं से, वो सदैव ही संतुष्ट है क्योंकि संपूर्ण है, संपन्न है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जो मटका भरा हुआ है वो मटका ज्यादा आवाज नहीं करता, उसकी आवाज भी संपूर्णता को या फिर संपन्नता को महसूस कराती है, दर्शाती है। लेकिन जो मटके खाली है जब उसको हम बजाते हैं तो आवाज ज्यादा आती है। ऐसे में हम स्वयं को चेक करें कि अभी तक मुझे आत्मा में ऐसी कौन सी बात है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें संपन्न होना चाहता हूँ। ज्ञान हम सभी सुन रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभवी होने चाहिए। जब हम कहेंगे कि ज्ञान में संपन्न, अर्थात ज्ञान के खजाने से मैं संपन्न आत्मा हूं, ये कब होगा? जब मैं ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभवी आत्मा बन जाऊंगा। अगर हम पहला ही शब्द हम आत्माओं का ले, ब्राह्मण आत्माओं का, कि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति क्या है? क्या मैं संपूर्ण शांति को अनुभव करता हूं? जब चाहे, जिस समय चाहे, जहां चाहे, क्या मैं अपने मन को, अपनी आंख को शांत कर पाता हूं? तो उसे शांति धाम का क्या मैं अनुभव करता हूं? सदैव ही अन्य आत्माओं को शांत स्वरूप में देख पाता हूं? तो शांति क्या है, उस बात को समझकर उस शांति का अपने जीवन के हर पल में एहसास करना, अनुभव करना, तब हम कहेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और शांति का खजाना, या फिर जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चा आप मास्टर शांति के सागर हो। सागर कोई नदी नहीं, कोई झरना नहीं, कोई तालाब नहीं, लेकिन सागर, शांति का सागर मतलब कितनी बड़ी बात है।
तो मैं आत्मा ऐसा शांति से संपन्न बन पाया हूँ, तो शांति के खजाने से संपन्न। और जब तक मैं आत्मा हर परिस्थिति में, हर बात में, हर कर्म में शांति का अनुभव नहीं कर पाता, तब तक अन्य आत्माओं को मुझे आत्मा से वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे। जब कितना भी मैं कहूँ कि मुझे आत्मा से शांति के वाइब्रेशन सारे संसार में फैल रहे हैं, तो वो तो शब्द मात्र में ही रहेगा, उसमें शक्ति नहीं होगी। आपने भी देखा होगा कि जब कोई धनुर्धारी व्यक्ति बाण छोड़ते थे तो साकार में बाण होता, लेकिन उस बाण को छोड़ने के पहले वो कोई मंत्र का उच्चारण करते थे, अर्थात वो मन की शक्ति की बात है। अगर मैं शांति का बाण किसी को मारना चाहता हूँ, अर्थात उसके जीवन में भी शांति लाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पा रहा हूँ। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे बहुत नुकसानदायक हो, किस कोई मेरा अपमान करता हो, कोई मुझ पर आरोप लगाता हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जिसको कहते हैं कि मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, हार जीत, इन सब में जो समान रहता है वही योगी है, वही ज्ञानी है। तो इन सर्व बातों में मैं अपने मन को देखूं कि मैं उस शांति का अनुभव कर पाता हूं, तब मैं कहूंगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और मास्टर शांति का सागर, उस अवस्था को पहुंचने के लिए हमें वो गहरी शांति का अनुभव खुद भी करना होगा। तो ज्ञान के खजाने से संपन्न मैं आत्मा तभी बन पाऊंगी जब मैं ज्ञान की एक एक बात का अनुभव करती। वैसे तो बचपन से ही हम सभी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और संसार में भी देखें कि बचपन से ही बच्चों को स्कूल में डालते हैं, और जैसे जैसे आत्मा को समझ आती है वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है, अलग अलग रीति से ज्ञान को प्राप्त करती भी है। लेकिन जब तक उसे आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक उसका जो सफर है वो कहीं रुकता नहीं है, या उसकी तलाश समाप्त नहीं होती। आज देखो संसार में इतनी लाइब्रेरियां हैं, इतने बड़े बड़े महान लोग हैं जिन्होंने अनेक सारी किताबें लिखी है, अलग अलग विषयों पर लिखी है। तो बाबा तो कहते कि बच्चे संसार का जो ज्ञान है या फिर संसार के जो ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञान का मतलब है प्रकाश, परंतु संसार के जो ज्ञानी है और संसार का जो ज्ञान है वह संसार में प्रकाश फैलाने के बजाय गर्मी बढ़ा रहा है। आप देखेंगे कि जिसने जितनी बड़ी डिग्री हासिल की है उसको उतना बड़ा ईगो रहता है उस डिग्री का, बार बार बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में वो महसूसता होती है और वो चाहते हैं कि उस डिग्री से संबंधित या फिर उस डिग्री के अनुसार उनको मान सम्मान प्राप्त मिले। सो ज्ञान के खजाने से संपन्न, अर्थात ज्ञान के एक एक पॉइंट से मैं भरपूर संपन्न हूं, उसका स्वरूप हूं। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर, अर्थात जीवन में कभी अशांति न हो। जैसे बाबा द्वापर से संसार की हर बात को देखते हुए भी कभी अशांत नहीं होते, उनका हर आत्मा पर का विश्वास कभी ढलता नहीं है, कभी कम नहीं होता। बाबा कहते हैं कि मैं हर बच्चे को संपूर्ण रूप में देखता हूँ, सिखिलदे बच्चे के रूप में देखता हूँ, विशेष आत्माओं के रूप में देखता हूँ। बाबा की नजर हमारे लिए सदैव समान रहती है, चाहे कोई भी कर्म हमारे से हो। बाबा ये कहते हैं भले कि इस समय में आप जितने संपन्न बनेंगे उस आधार से आपको सतयुग में पद प्राप्त होगा। तो बाबा के लिए वो तो क्या बात है कि एक सतयुग की कार्य व्यवहार चलाने के लिए कहें, या फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया उस आधार से उसको वो पद प्राप्त होता है, वो एक पढ़ाई की बात है, वो पुरुषार्थ की बात है। लेकिन बाबा की दृष्टि में कभी कोई आत्मा अपूर्ण नहीं है, बाबा की दृष्टि में सर्व आत्माएं एक समान है। इसलिए परमधाम में वो बाबा के पास में है,
वहां पे कोई नीचे ऊपर है, इसका अर्थ कोई नजदीक और कोई ज्यादा नजदीक ऐसी बात नहीं है, समान है सब। और वर्तमान में भी जब साकार में भी आते हैं और हम सर्व आत्माओं को भी बाबा देखते हैं तो उसे संपूर्ण रूप से देखते हैं, और सिर्फ उन आत्माओं को नहीं कि जिनको उन्होंने चुना, संसार के सर्व आत्माओं को भी देखते हैं। तो बाबा की नजर सर्व के लिए समान है, चाहे वो उसका सहयोगी बच्चा हो या फिर उसका सहयोगी बच्चा ना हो। संसार में हर आत्मा को बाबा निर्दोष दृष्टि से देखता है, उनकी दृष्टि में कभी ऊपर नीचे नहीं होता, अर्थात निरंतर शांत है, शांति का सागर है वो, इसलिए उसका मन कभी हिलता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता, हर बात में स्थिर है, उसकी नजर स्थिर है, सर्व आत्माओं के लिए समान है। तो मैं मास्टर शांति का सागर, अर्थात मेरी दृष्टि भी, मेरी वृत्ति, मेरे भाव, मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी भावनाएं हर आत्मा के लिए, मेरी वृत्ति हर आत्मा के लिए सदैव समान है। हर कर्म जो संसार की आत्माओं का, हम हमारे आसपास की आत्माओं को भी देखते हैं, तो क्या उनके कर्म के अनुसार मेरा मन ऊपर नीचे होता है? मेरी भावनाएं उनके प्रति उनके कर्म के अनुसार बदलती है? अगर ऐसा है तो मैं फिर मास्टर शांति का सागर नहीं हूं। तो ज्ञान के एक पॉइंट के स्वरूप हम नहीं बनते, तो फिर ज्ञान की इतनी सारी जो बातें हैं, ज्ञान का जो खजाना बाबा ने दिया है, उन खजानों से हम संपन्न कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, अर्थात सभी खजानों से संपन्न। तो ज्ञान में सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, शक्ति है, तो एक एक गुण में संपन्न बनना है। योग की एक एक जो विधि है, एक एक जो अनुभव है, फरिश्ता स्वरूप का, अशरीरीपन का, देही अभिमानी भव का, निराकारी स्वरूप का, पांचों स्वरूप का, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, ये योग की एक एक बात की गहराइयों में हम जाने चाहिए, या फिर उसका अनुभव हमने करना है, तब हम कहेंगे कि हम मास्टर योगेश्वर है। योग आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। तो योगी आत्मा का जो गायन बाबा कहते हैं, जो हर बात में स्थिर है, समान है, उतनी वो शक्तिशाली आत्मा है। तो योग के एक एक स्वरूप का अनुभव, अर्थात मैं कहूंगा कि फिर मैं आत्मा योग की शक्ति में संपन्न हूं, योग में संपन्न हूं, योग के सर्व खजाने मैंने प्राप्त किए, योग की अलग अलग विधियां जिसको बाबा कहते हैं, उसका अंतिम स्वरूप है कि योग से मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाता हूं। योगी आत्माओं के कंट्रोल में, उनके अधिकार में उनका खुद का शरीर, शरीर की सर्व कर्मेंद्रिया, प्रकृति के पांचों तत्व, सारे ग्रह नक्षत्र तारे उसके अधीन होते। तो योगी आत्मा, योग के सर्व खजानों से संपन्न आत्मा, मैं प्रकृति जीत आत्मा, प्रकृति पति आत्मा बन जाता। और जो संपूर्ण योगी है वही तो फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति करा देगा, या फिर संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे सकेगा। मैं आत्मा स्वयं ही मुक्त नहीं हूं, मैं स्वयं ही जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव नहीं कर रहा, तो फिर अन्य आत्माओं को मैं कैसे करा सकूंगा? योगी जो भी कर्म करता है उस कर्म के प्रभाव में वो नहीं रहता, या कर्म के प्रभाव में, किसी के भास स्वभाव संस्कार के प्रभाव में नहीं आता। जैसे सुबह सुबह हम देखते हैं कि पत्ते पर पानी की बूंद होती है, बूंद है पत्ते पर, लेकिन बूंद पत्ते को स्पर्श नहीं कर रही है। ऐसी योगी आत्मा अपना हर कर्म साक्षी भाव से, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से करता है। तो योग के खजाने से संपन्न, अर्थात वो सिद्धि स्वरूप प्राप्त कर लेना, वो वरदानी स्वरूप, दानी महादानी स्वरूप को मैं प्राप्त करना है,
तब ही मैं आत्मा अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे सकूंगा। सो योग के खजाने से संपन्न, धारणाओं के खजाने से संपन्न, एक एक बात हमको बाबा ने कही है धारणा स्वरूप बनने के लिए। सत्यता, सरलता, शांतता, शीतलता, धैर्यता, अंतर्मुखता, गंभीरता, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, संपूर्ण पवित्रता, एक एक अगुण को धारण करना, बाबा की एक एक आज्ञा को धारण करना। बाबा ने एक एक बात के लिए हमें श्रीमत दी है, जिसको बाबा कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। धारणा अर्थात सर्व मर्यादाओं में हम पुरुषोत्तम। तो धारणा के खजाने से संपन्न, क्योंकि इसी धारणा के आधार से ही सारा कल्प हम कर्म करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर हम धारण करेंगे, जो भी श्रीमत, जो भी नियम कायदे हम बनाएंगे यहाँ पर, अर्थात बाबा ने जो नियम कायदे हमें दिए, जो अनुशासन सिखाया, जो नियम और मर्यादाएं दी है, उस अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो फिर पूरा कल्प हमारा राज्य भी उसी नियम और मर्यादाओं के अनुसार चलेगा। हम जिस प्रकार से पढ़ाई पढ़ते हैं, आने वाले समय में हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा उसी प्रकार से पढ़ाई को पढ़ेंगी। जिस प्रकार से हम ज्ञान को धारण करते हैं उसी प्रकार से करें। जो धारणा जितने प्रतिशत हमने धारण की है, उतने ही प्रतिशत आने वाले समय में या उससे भी कम प्रतिशत में आत्माएं उस बात को धारण करेगी। तो बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दी है, धारणाएं दी है। बच्चे तुम्हें चलना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, हर बात के लिए नियम और मर्यादाएं दी है। शरीर के लिए, भोजन के लिए, संबंध संपर्क में आने के लिए, सोचने के प्रति, सोने के प्रति, हर कर्म के प्रति बाबा ने हमें नियम और मर्यादाएं और धारणाएं बताई है। तो उन धारणाओं में मैं आत्मा संपन्न। ऐसे ही सेवा, सर्व प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, संबंध संपर्क, कला गुण विशेषताएं, सर्व प्रकार की सेवाएं, और उन सर्व सेवाओं में मैं संपन्न आत्मा। यहाँ जो जो भी हम सेवा में लगाते हैं, चाहे धन सेवा में लगाते हैं तो धन मल्टीप्लाई होके हमारे जीवन में वापस आता है पूरे 5000 कल, 5000 वर्ष। तन हम सेवाओं में लगाते हैं तो तन सुंदर हो जाता है, पूरा कल्प हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। मन हम योग में लगाते हैं, मन हम बाबा में लगाते हैं, हम संसार के आत्माओं की सेवाओं में लगाते हैं तो मन सदैव प्योर रहता है। ऐसे हर कला गुण हम विशेषताओं को बाबा की सेवा में लगाते हैं तो उस गुण में, उस कला में, उस विशेषता में हम संपन्न बन जाते हैं। तो सेवा का अनुभव, सेवा का खजाना, अर्थात सर्व प्रकार के सेवा। अब कभी कभी कोई को शारीरिक कुछ व्याधि होती है तो वो शरीर से नहीं कर पाता, कभी किसी के पास धन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, वो धन से नहीं कर पाता, लेकिन मनसा सेवा, कर्मना सेवा, या फिर अन्य जो जो भी माध्यम जिसके पास है उस माध्यम से वो सेवा कर सकता है। वैसे तो एक सेवा में अगर सही भाव से है तो एक सेवा में सर्व सेवाएं आ जाती है। एक सेवा करते वक्त हम सर्व प्रकार की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक सेंटेंस है बाबा का व्यक्त मूल में कि जो यहाँ विश्व सेवाधारी है वो वहां विश्व राज्य अधिकारी है। अर्थात सेवा के खजाने से अभी हमें संपन्न बनना है, ठीक करना है। मैं आत्मा अगर समर्पित हूं, मैंने सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है तो 24 घंटे में मैं सर्व प्रकार की सेवा कितना प्रतिशत करता हूं या करते, तो सेवाओं के खजाने से संपन्न। तो ऐसे हम इन चारों विषयों में संपन्नता जब अनुभव करते हैं, जब सर्व खजानों से संपन्न होते हैं, तो संपन्नता को ही संपूर्णता कहते हैं। तभी हम कहेंगे कि मैं आत्मा संपूर्ण हूं।
और संपूर्ण आत्मा यही संतुष्ट होते हैं। और संपूर्ण संतुष्टता को प्राप्त करना ही हमारे इस ईश्वरीय जीवन का लक्ष्य है। हर आत्मा संतुष्टता को प्राप्त करना चाहते हैं। और बाबा ने तो यहाँ कहा है ना कि हमें कितने प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं संतुष्टता के। सबसे पहले हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट, जितना कर सकते थे क्या उतना पुरुषार्थ किया। दूसरा, मैं आत्मा अपने परिवार से संतुष्ट हूँ, परिवार मेरे से संतुष्ट है। तीसरा, मैं ड्रामा से संतुष्ट, ड्रामा की हर सीन से संतुष्ट। चौथा, फिर बाबा से मैं संतुष्ट, मैं बाबा मुझे से संतुष्ट। तो ये चारों प्रकार के सर्टिफिकेट हम आत्माओं को प्राप्त करने हैं, तब हम आत्मा जब ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं तब हम आत्माएं बाबा के समीप रहती है। बाबा कहते हैं ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदैव बाबा के समीप होती है, क्योंकि जो समान है वही तो समीप रह सकता है। लौकिक में भी आप देखो संगठन उन्हीं आत्माओं का होता है, समान आत्माओं का ही संगठन होता है। अरबपति अरबपतियों के साथ रहेंगे, करोड़पति करोड़पतियों के साथ रहेंगे, लखपति लखपतियों के साथ। कोई कला वाला डांस की किसी में कला है तो उनका वो एक ग्रुप होता है, कोई संगीत प्रेमी होता है तो उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो हर कलाओं का भी एक ग्रुप है, तो समान व्यक्तियों का संगठन होता है। ऐसे ही हम जब बाप समान बन जाते हैं तो बाबा के समीप रहते हैं, तो बाबा की समीपता का सदैव अनुभव करने के लिए बाप समान बनना होगा। और बाप समान बनने के लिए सदैव संतुष्टता को जीवन में धारण करना, और संतुष्टता के लिए संपन्नता, संपन्नता अर्थात ही संपूर्णता। इन चारों विषयों में हम जब संपूर्णता का अनुभव करेंगे तब हम बाप के समीप बाप समान स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो ऐसे सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप सदा बाप दादा के समान, बाप दादा के समीप रहने वाले आप श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।